सर आप पहले वादा करें कि 50 डॉलर मिठाई के देंगे तो फिर छोड़ेंगे आपको। यार दूंगा यार, बहुत मुबारक हो सर, आपके घर बैठे हुए हैं। क्या बेटा, क्या पता लगा? सर एक ऑटो वाले ने बताया कि लाहौर से इतलाई है। अच्छा, मुबारक हो सर, मुबारक सर। इतने देर में हमने बच्चे का नाम भी रख दिया है। हमारे बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके बच्चे का नाम हम ही रख दें। चलो बताओ क्या नाम रखा है? शेरजान सर। शेरजान, ये तो बड़ा अच्छा नाम है। तो हमसे हाल डरे शेरजान ही वालेकुम सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। और भाई कैसा है हमारा शेरजान? शेरजान कौन भाई? सुबह सुबह फोन आया था गुलशेर का, बहुत खुश था। उसके जवानों ने उसके बच्चे का नाम शेरजान रखा है और उसने रिक्वेस्ट की है कि यही नाम रख दिया जाए। Why not आहू? बहुत प्यारा नाम है शेरजान। और तुमने जो इतने सारे नाम सोचे हुए थे? कोई बात नहीं आंटी, शेरजान इज मच बेटर। लेकिन बेटा एक बहुत बुरी खबर है, काशिफ पुअर फेलो हैज लॉस्ट बोथ हिज लेग्स बोथ हैंड्स। आहू क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा इट्स ट्रू, उसे बहुत बुरी फ्रॉस्टबाइट हुई है, उसका तो बच जाना ही बहुत बड़ी बात है। ओह माय गॉड, हाउ विल ही लिव? इट्स रियली सैड, कुछ समझ नहीं आता कि इंसान उसके जिंदा बचने पे खुश हो या अफसोस करे। आहू प्लीज आप उसके पास जाएं। हाँ बेटा, तुम कल इंशाल्लाह घर आ जाओगी। आई लीव डे आफ्टर। बेगम साहब वो आ गए। बेटे चीफ आ रहे हैं तुम्हें मिलने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम करमानी, हाउ इज योर सन? ही इज मच बेटर नाउ, थैंक यू। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी सर, ना मैं आपको सलूट कर सकता हूँ और ना ही हाथ मिला सकता हूँ। काशिफ, तुमने इस मुल्क के लिए जो कुछ कर दिया है, इसके बाद तुम इस बात के हकदार हो कि जो तुम्हें देखे वो खुद सलूट करे। तुमने और सिपाही फिदा जान ने मुल्क का जो नाम ऊंचा किया है, उसके लिए द होल आर्मी इज प्राउड ऑफ यू।
और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने खुद मुझे फोन करके इस मिशन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि मैं जाती तौर पर उनकी अप्रिसिएशन तुम तक पहुंचाऊं। एंड नाउ आई मस्ट टेल यू समथिंग, हुकूमत पाकिस्तान ने तुम्हें और सिपाही फिदा जान को सितारा जुर्रत देने का फैसला किया है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। योर फादर इज वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड नाउ काशिफ, टेल मी, इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू फॉर यू? जी हाँ सर, मुझे यकीन है सर, फौज को सिर्फ जिस्म ही नहीं दिमाग भी चाहिए होते हैं। मेरी बॉडी को लॉस हुआ है सर, लेकिन दिमाग को कुछ नहीं हुआ। मैं फौज में रहना चाहता हूं सर, प्लीज लेट मी बी इन यूनिफॉर्म सर। ऑल राइट, हम देखेंगे कि तुम्हारे दिमाग से क्या काम लिया जा सकता है, बट आई गिव यू माई वर्ड, तुमसे यूनिफॉर्म उतारने के लिए नहीं कहा जाएगा। और फौज के कैप्टन काशिफ को सियाचिन के महाज पर बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर सितारे जुर्रत का एहसास दिया गया है। ये तो रिपोर्टमेंट नहीं, दुश्मन के बेशुमार फौजियों को मौत के घाट उतारा और यूं नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस कोशिश में उन्हें अपनी दोनों टांगों और बाजुओं से भी महरूम होना पड़ा। उनके इस कारनामे पर सदर बंदुकत, वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उन्हें मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। जवान, मोरल कैसा है? हाय सर। अब्दू। स्काई सर। जाहिर है मोरल तो हाई होना ही है, ये दो दो फुट की दो टांगे और फुट फुट के दो हाथ कटा के सितारे जरूरत लेके जो बैठ गए। जलस टेनिस और ऐसा वैसा, मेरा तो बुरा हाल हो रहा है जलेसी से। फिक्र ना कर, अल्लाह तुझे ही मौका देगा और इंशाल्लाह तू सारा जरूरत से भी ज्यादा लेगा। काशिफ यार, डिप्रेस ना हुई। पागल हो गया यार, डिप्रेशन किस बात की? मेरे साथ तो बड़ी सही हुई है। मैं फौज से भागना चाहता था ना, फौज ने कहा ठहर जा बच्चू, हम तेरी टांगे ही काट देते हैं, और रह गए हाथ। तो तुझे पता ही है यार, जब से टब खड़बे हुए थे मुझे अच्छे नहीं लगते थे। अब बकना, वैसे एक तरह से देखा जाए तो तू थोड़ा लकी है कि ये तेरे साथ इस जमाने में हुआ है। मतलब ये कि आजकल हमारी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि तुझे इंशाल्लाह जबरदस्त किस्म के आर्टिफिशियल लिम्स लग जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं कब लगेंगे यार, अभी तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे किसी के सामने रोना आ जाए तो ना मैं अपने आंसू पोंछ सकता हूं और ना आंखें छुपा सकता हूं। काशिफ ना कर यार, प्लीज, तुझे सारी जिंदगी हंसते हुए देखा है, तू वैसे ही अच्छा लगता है। कुलशेर कैसा है यार? खाचा आते हैं उसके? हाँ आते हैं, ठीक है। वो बेटा भी बड़ा हो रहा है उसका। उसकी शक्ल किस पे है यार? मैंने तो खुद देखा नहीं, अलबत्ता शना से बात हुई थी, वो कह रही थी कि कड़ा घड़ा है कुलशेर। अच्छा, गुड यार।
بعد شکرم Yes, come in. Behram. Assalamualaikum, sir. कोई बात नहीं बहराम, तुमने क्यों तकलीफ की यार, इतनी दूर आए हो? खैर है सर, मैंने अब कौन सा वापस जाना है सर। क्या मतलब, तुम्हारी पोस्टिंग हो गई है? नहीं सर, हुई तो नहीं है, मुझे पता है सर, आपके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है, अब सीओ से बात करें सर, मैं वापस नहीं जाऊंगा सर। लेकिन फिर हम लेकिन कुछ नहीं सर, मुझे आप मायूस ना करें, मैं आपकी खिदमत करूंगा आप, बस। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सीओ से बात करता हूँ यार। सांद्रा प्लीज आस्क हर, सिंस व्हेन शी इज हैविंग पेन इन एब्डोमेन। आपके दस चश बोल स्टमक Одечение престо. Since yesterday it hasn't stopped. I think she has eaten something which she was not able to digest. Ask her what did she eat yesterday. Kaže vjerovatno si nešto pojela što je želudac nije dobro provario. Šta si jela juče? Pomiduši. Čitaj dana ništa nisam jela. Well, they didn't eat for 3 days. So, sir, message आया कि रास्ता अभी भी नहीं खुल सका। वो लोग काम बंद करना चाह रहे हैं क्योंकि शर्म बहुत ज्यादा हो रही है। और ठीक है यार, उनसे कहो वापस आ जाए, अभी सुबह ही देखी जाएगी। I'm sorry. The route is still closed and I'm afraid you'll have to stay the night here. You can take my tent. I'll sleep with Captain Hassan. Chal yaar shuru kar. Come on Sandra, please start. Le kyun nahi raha bhai?
तुम लोग खाओ यार। खैरियत है, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, ऐसे ही दिल नहीं कर रहा। मुझे पता नहीं तेरे दिल का, जरूर कोई बात बात है तो, लेकिन तुझे बताया तेरे से भी नहीं खाया जाएगा। और प्लीज जा यार, उसे कम नहीं दे, वो क्या कहेगी। I know why he's not eating. Now when I remembered, I don't feel like all. Excuse me. उसे मैं आप ही की तरफ जा रहा था। अच्छा, सीन तैयार है? आ जाए। उस यूट्यूब से तो नहीं? नहीं सर, आ जाए। फिर की चलो। मैं किसी बंदे का नाम नहीं ले रहा, सारे सुन लें। पावी में तो सीनियर है तो पावी में तो जूनियर, जेड़ा भी मेरे नाल काम कर रहे हैं ना, और मैं जानता नहीं हैगा। और आराम से बात, सारे वेटर्स वगैरह भी सुन रहे हैं, तू आप बैठ जा यार। सर सुनते हैं तो सुनते रहे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। पर हुआ क्या है? हुआ क्या सर, आज दूसरा दिन है मैं नहाने जाता हूँ और बाहर से कपड़े उठा के ले जाता है। यार बट तेरे साथ जरूर कोई मजाक कर रहा है। सर ये किस किस्म का मजाक है, और क्या फायदा ये इंटेलिजेंस वालों का? मेरे तारिक सर, किस काम का आपका इतना बड़ा सेटअप? तुम सीओ को रिपोर्ट क्यों नहीं करते? सर सीओ बेचारा क्या करेगा, ये तो आपके करने वाला काम है। मैं क्या करूं, मुझसे तुम लोग दूर दूर भागते हो। सर दूर दूर तो भागना है, आपसे डर जो लगता है। देखो यार मैं बुरा आदमी नहीं हूं, मेरा पेशा बुरा है। फिर प्यारी बात की आपने सर, बड़ी ही प्यारी बात की। अच्छा सर ये बताएं कि इंटेलिजेंस में जाने के लिए ये इंटेलिजेंट होना जरूरी होता है? कहना क्या चाहते हो? सर मेरा मतलब है अगर मैं भी इंटेलिजेंस में जाना चाहूं तो? इंटेलिजेंस वालों के लिए सबसे जरूरी चीज होती है हौसला और सबर। अगर तुम्हारी जगह किसी इंटेलिजेंस वाले के कपड़े गायब हुए होते तो वो मुंह से एक लफ्ज ना निकालता। सर क्या मतलब है आपका, आप उसका पता ना करते, उसकी रिपोर्ट ना भेजते? बिल्कुल नहीं, पता लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जो कोई भी ये हरकत कर रहा है महज अपने बचपने का सबूत दे रहा है, और उसकी रिपोर्ट इसलिए ना करता कि ये एक शरारत है, एक मासूम सी शरारत। मेरा काम किसी मासूम का कैरियर खराब करना नहीं है, बल्कि ओवरऑल एक चेक रखना है ताकि लोग बेलगाम ना हो जाएं और उनको पता हो कि कोई उन्हें देख रहा है। लेकिन सर आपकी रिपोर्टों से लोगों के कैरियर तो खराब हो सकते हैं ना? याद रखो जब तक मैं हूं किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी, लेकिन किसी गुनाहगार के जिस्म पर यूनिफॉर्म भी नहीं रहेगी। बड़ी प्यारी बात की है मैंने। Was a ballet dancer. I know in your society, dance is not considered like something respectable.
but here it's a big thing. So she fell in love with my father. He was an Arab. They got married, and then I was born. Selma was the name my father gave me. I resemble him a lot, especially my eyes, like here. He left us when I was 3 months old. He never returned. I remember when I wrote the first letter for him. I was 5 years old, and I kept on writing till I was 9. But he never replied. Anyway, my mother got married to a Serb. But I thought your mother was Muslim. Of course. And she married a Christian Serb. Yeah. Mixed marriages were very common here. My new father, he didn't like my Muslim name. So from Selma I became Sandra. Do girls smoke in Pakistan? Yes. Maybe 0.00001%. Anyway, I started going to a church. I was wearing a cross all the time. Several years passed, and our country, Yugoslavia, boom, dismantled. One day it was one country. Another day it was 7, 8 countries. Bosnia was the only country which had Muslims. In majority, I mean. Serbs, they didn't want Bosnia to be independent. So they attacked, and the war broke out. And what did your father do? He was a Serb. He didn't think of us for a second. He's in the Serbian army now. You know, sometimes I think this is a blessing for us in disguise. Yeah. It has given us our identity. I had forgotten who we were. But now, things will change. Inshallah. Yeah. One last question. Why do you dislike us? You know, when we came to know that there was a Muslim country, Pakistan, whose army was coming to Bosnia, we were very excited that they are coming here to fight. And then
you people started giving us the food and medicines. Please, don't give us food. It keeps us alive so that we can get killed from Serbs tomorrow. Give us arms, ammunition, so that we can save our lives for tomorrow or day after. अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटे, क्या जबरदस्त काम दिखाया तू, हम सब के सर ऊंचे कर दिए तूने। बस अंकल। हेलो काशिर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो और अमेरिका कैसा था? अमेरिका इज जस्ट फाइन एज एवर। कब पहुंचे हो? कल कराची पहुंचे थे और आज सीधा एयरपोर्ट से आ रहे। बेटा आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा दिन है। एक तो सनिया आई हुई है, दूसरा जिस पीक पे तुमने पोस्ट एस्टेब्लिश की थी उसका नाम तुम्हारे नाम पे रख दिया गया। दैट्स वंडरफुल, ग्रेट, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू वेरी मच अंकल। अच्छा बेटा तुम दोनों गपशप मारो, हमें जरा GHQ जाना है। चले सर, लेट्स गो। So how did you react to all this? What do you mean? Zahir hai bahut khushi hui. Good. Lekin pure ek mahine baad aayi ho tum. Kya karti Kashif? America se aana tha, Lahore se tum. Aur phir daddy was in such a situation. Ek din ke liye bhi fursat nahi thi. Humne do dafa plan banaya bhi lekin nahi aa sake. Lekin डैडी अंकल से मुसलसल फ़ोन पे बात करते रहे। हाँ डैडी बताते थे मुझे। थोड़ी सी सैर कराऊं? श्योर, क्यों नहीं। अब क्या प्लान है तुम्हारे? मत पूछो सनिया, जब से चीफ ने मेरा आर्मी में रहना अलाउ किया है मेरा दिमाग मुसलसल काम कर रहा है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी भी आर्मी के लिए कर सकता हूँ, बस तुम देखती जाओ। आई एम ग्लैड दैट यू स्टिल पॉजिटिव। अब तो मांगी हो, अब तो और भी हो जाऊंगा, नहीं तो मेरे दिमाग में बड़े उल्टे उल्टे ख्याल आने लगे थे। फ्रैंकली सनिया, मेरी इस नई सिचुएशन के बाद तुम लोगों ने बात तो की होगी घर में कि अब क्या करना है। तुम उल्टे उल्टे ख्यालों को रोको और खुश रहने की कोशिश करो। अब मैं आ गई हूँ और रोज आया करूंगी तुम्हारे पास जब तक हम लोग यहाँ पर हैं। थैंक यू सनिया। 22439 my location of my Juliet Echo Echo Papa, Juliet Echo Echo Papa is Oskova and we are heading toward Tuzla. हम तुजला की तरफ जा रहे हैं। Roger, so far over. ये जो बात करते हैं ये बीच में गानों की आवाज कहाँ से आ रही है? ये क्या तुमने पीछे टेप लगाई हुई है? ओवर। हाँ बिल्कुल, इस तरह करो कि ये ट्रांस पे रख के ये रेडियो उसके पास ले जाओ और हमें गाने सुनाओ। शाबाश, ओवर। Yeah.
रोके 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 सर, बहुत ढूंढे, पता नहीं किधर जाना होगा इन्होंने। Oh my God, her wound is in a very bad shape. She has to be immediately transferred to our